पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ये क्या कर रहा है? ऐसे तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। फालूदा कुल्फी खाओ जाकर, पसंद है ना तुम्हें? गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। ऐसे कैसे चला गया? ये ऐसे शांत होकर चला गया ना, ये हमारे लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ और प्लानिंग चल रही है। इसके पहले कि वो कुछ करे, हमें पता करना होगा कि वो सोच क्या रहा है। खेल रहे हो? तो डॉक्टर मान, अगर आप आलिया की सलामती चाहते हैं तो मुझे मेरे बच्चे को हासिल करने में मेरा साथ दो। ये है वो डॉक्यूमेंट्स जिस पे आपको दिशा के सिग्नेचर्स देने हैं। आई एम सॉरी बेटा, पर मुझे ये करना ही होगा। अपनी आलिया को बचाने के लिए आपको आपकी मम्मा से दूर करना ही पड़ेगा। मैं फिर से किसी अपने को नहीं खो सकता। निमृत, लाओ मैं खिला देता हूँ। तुम थक गई होगी, जाके आराम कर लो। आप मुझे कुछ कहा? इसमें हैरान होने की क्या बात है? देख रहा हूँ कि काफी थकी हुई हो, काफी काम वाम किया होगा तुमने। मैं खिला देता हूँ बच्चे को। इसमें नहीं, कभी ऐसे ऑफर किया नहीं ना। तो जितना कहा है उतना करो ना। जाओ, मैं खिलाता हूँ बच्चे को। ठीक है। ये बेहोशी की दवा है, ये आपको शिखर को देनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपके साथ नहीं आएगा। ये मैं क्या कर रहा हूं? एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। काम हो गया? नहीं, और मैं करूंगा भी नहीं। अच्छी बात है। आंटी, सुनीता मिस कहाँ गई? इतनी देर से आई नहीं। तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएंगी। बच्चों, आप सबको कहानी सुननी है ना? हाँ। तो आप सब बैठ जाइए, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, नम्रता नाम की एक लड़की थी। उसे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की बहुत बुरी आदत थी। एक लेडी कुछ लड़कियों को फॉरेन पढ़ाई के लिए भेज रही थी। एज यूजुअल उसकी टांग अड़ाने की आदत थी, तो वो आ गई और पूछने लगी कि उन लड़कियों को फॉरेन भेज कर पढ़ाई कराने की क्या जरूरत है? अपनी कंट्री में क्या खराब पढ़ाई होती है? हाँ, वो आंटी सही तो कह रही थी। हमारे कंट्री में भी तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। फिर वो आंटी उन बच्चों को अपने मम्मी पापा से क्यों दूर कर रही थी? वो गंदी आंटी थी क्या? हाँ,
गंदे लोग ही ऐसे काम करते, बच्चों को अपने मम्मी पापा से अलग कर देते। ये लड़की एकदम अपनी माँ पर गई है, इसका मुंह चुप कराना पड़ेगा। नम्रता ने भी यही बोला था। इस बात पर उस लेडी को बहुत गुस्सा आया और उसने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। अब तो करोगे ना बच्चे को बेहोश। हेलो, बोलो आप करोगे कि नहीं? I'm so sorry, बच्चे, but I have to do this for Alia. ओ भाई वाह, कमाल हो गया डॉक्टर साहब। जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ दवाई के अलावा कुछ और खिला रहे हो किसी को। रात बीती, आप गुस्सा क्यों हो गए यार? आपको खाने की मुझे बता देते, मैं मेरे सामने आ। बच्चे को नींद आ रही है शायद, मैं इसे सुला के आता हूं। जी मैं आज रात पास से रख। ओया क्यों या सिर फेंक दिया? सिर पर ही सो रहा कस्टडी पेपर। इसको क्या हो गया है? कहाँ जा रही हो? मिस बाथरूम जाना है। अभी वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं है, बाद में चली जाना। जाओ जाकर बैठो। बैठो। अब क्यों नहीं जाने दे रही हो उसे? और वॉशरूम थोड़ी ना कोई रोक सकता है। तुम चुप करके बैठो, हर बात में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? नम्रता का हाल पता है ना तुम्हें? उसके साथ क्या हुआ था? तुम्हारे साथ भी वही हो जाएगा। जाओ जाकर बैठो। आप गंदी आंटी हो, आप बच्चों पर गुस्सा करती हो। पता नहीं विंता मैम ने आपको इनवाइट क्यों किया, मैं सब कुछ बता दूंगी उन्हें। उसके पहले मैं बताऊं तुम्हें, जाकर बैठो। चलो बेटा मैं तुम्हें खुद बाथरूम लेके जाती हूँ। दरवाजा तो बाहर से बंद है, इसका मतलब किसी
किसी ने हमें बाहर से बंद कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।